मुहूर्त है और टाइटल जैसा ग्रंथ है तो जाहिर सी बात है कि एक्शन मूवी है और जो हमारे दर्शक है, ऑडियंस है, उनको हमेशा जो है विराज भट्ट से एक एक्शन फिल्मों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। तो काफ़ी समय बाद जो है एक अच्छी एक एक्शन मूवी जो है भिड़ंत हम करने जा रहे हैं। विराज जी, नाम से लग रहा है कि शायद एक्शन होगा बहुत सारा, जिसके लिए आप जाने भी जाते हैं। एक एक्शन मूवी होगी, कुछ बताया गया है आपको फिल्म के बारे में, क्या स्टोरी होगी या फिर किससे भिड़ंत होगी विराज भट्ट की? ये भिड़ंत है, एक्शन मूवी तो है ही जैसा आप बोल रहे हैं और मैं बता भी चुका हूँ कि काफ़ी समय बाद एक अच्छी एक्शन मूवी जिसमें खाली एक्शन ही नहीं बल्कि एक अच्छी स्टोरी लाइन भी है। इसकी जो कहानी है बड़ी ही खूबसूरत है और भिड़ंत मतलब एक सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, एक अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो भिड़ंत है वो इसका मेन जो है मकसद है सिनेमा का। और इसकी जो कहानी है वो काफ़ी अच्छी है, तो मुझे जो उम्मीद है सिनेमा से काफ़ी अच्छी एक सिनेमा बनेगी। खाली एक्शन ही नहीं, सारी चीज़ें हैं ऑडियंस को जो चाहिए, इसमें जो मसाले चाहिए वो सारी चीज़ें इस हिंद मूवी में है। विराट जी, ऋतु के साथ आपने शायद काम नहीं किया है, पहली फिल्म होगी आपकी ऋतु सिंह के साथ, एक्साइटेड है आप उनके साथ काम करने को लेकर? और आपकी हीरोइन है कहाँ, आज दिखाई नहीं दी? हीरोइन तो अभी पूछना पड़ेगा हमारे डायरेक्टर साहब से, शायद आ रही होंगी, मुझे लगता है कि ट्रैफिक ज़्यादा है तो थोड़ा एग्जाम में होंगे। और उनके साथ में जो है पहली बार ही मैं कर रहा हूँ ऋतु सिंह जी के साथ में, और वैसे हम लोग दोस्त हैं, काफ़ी अच्छी जान पहचान है हमारे उनके साथ में, लेकिन स्क्रीन में साथ में काम करने का जो एक अवसर है वो इस भिड़ंत मूवी से मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जो है इस फिल्म के जो हमारे डायरेक्टर हैं, निर्देशक सोमवीर श्रीवास्तव, वो इस सिनेमा से जो है डायरेक्शन में पहली बार जो है डेब्यू कर रहे हैं और काफ़ी टैलेंटेड है सोम, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है काफ़ी, दो तीन स्क्रिप्ट उन्होंने मेरे लिए भी लिखी थी, बहुत अच्छा जो है राइटिंग है उनका और काफ़ी जो है एक फायर है बंदे के अंदर में कुछ नया करने के लिए। तो अच्छी बात है कि भोजपुरी के लिए अच्छा और नया टैलेंटेड जो है डायरेक्टर जो है आया है और उसके साथ में काम करने का एक अवसर हमको भी मिला है और हम लोग सभी चाहते भी हैं कि ऐसे नया अच्छे डायरेक्टर भोजपुरी में आए। और मैं पूरी तरीके से सोम भाई को इस मूवी के लिए सपोर्ट भी करना चाहूँगा। सोम भाई जी, पहली बार सोम भूषण जी आईजे डायरेक्टर आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहते हैं? और इस सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ विराज जी, बट बड़े आर्टिस्ट जो है, जो नोटेड आर्टिस्ट हैं, वो नए डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, काम करेगा पता नहीं कैसे करेगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। आपके जहन में भी कुछ ऐसे सवाल आए होंगे जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई थी? देखिए, पुराने जितने डायरेक्टर हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी के साथ में मैंने काम किया है, जो सीनियर हैं, जो भोजपुरी में कर रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए मैं जहाँ तक मेरी सोच है और हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत भी है कि नए टैलेंटेड लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डायरेक्शन फील्ड में, चाहे हर किसी फील्ड में भी। तो नया लोगों के लिए तो वेलकम हमको करना ही चाहिए और उसमें भी सामने वाला क्या है, कितना टैलेंटेड है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो सोम में मैंने देखा है, सोम के अंदर में वो सब क्वालिटी है और वो एक काबिल जो है निर्देशक बन सकते हैं और हमें उम्मीद है कि ये जो सिनेमा है और काफ़ी खूबसूरत सिनेमा भोजपुरी दर्शकों के लिए बनने जा रहा है भिड़ंत,
कब से विराट जी फिल्म शुरू होगी, कहाँ शूट की जाएगी और कब तक आ सकती है सिल्वर स्क्रीन? ये सिनेमा का जो है हम लोग मुंबई से बाहर कर रहे हैं शूट इसके जो है, और अब से एक महीने बाद हम लोग फ्लोर में जाएंगे और वन शेड्यूल में ही इसको जो है कंप्लीट करेंगे, ऐसा है हमारा। फिल्म के निर्माता बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, विपुल जी के लिए यही कहना चाहेंगे कि जैसे उनके साथ में एक जुड़ने का अवसर हमको भी मिला है और एक अच्छी सिनेमा निर्माण कर रहे हैं, तो भोजपुरी में उनको एकदम वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे और आगे भी उनके साथ में काम करने का जो अवसर है वो मिलता रहे, और इस सिनेमा के लिए आप सभी का प्यार आशीर्वाद चाहिए, बस यही कहना चाहेंगे। और कौन सी फिल्में आपसे आ रही है? मेरी अभी मार्केट में जो है रिलीज होने वाली सिनेमा है अभी चीरहरण है, बलवान है, कहानी किस्मत की है, ये सब सिनेमा, और और सिनेमा उसका टाइटल थोड़ा सा। सर चीरहरण की बात की जाए तो संजीव झा मेरी दूसरी मूवी होगी, पहली जो है हमारी, हम लोगों ने जो साथ में काम किया है चीरहरण, तो चीरहरण से ही मैं संजीव जी को एक दोस्त के लीजिए, एक एक्टर के नाते मैं जानने लगा हूँ। अच्छे इंसान हैं, अच्छे कलाकार हैं, और इसमें भी संजीव भाई हैं तो मुझे अच्छा लगा है। दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि एक अच्छी मूवी, हम सभी टीम का जो है प्रयास है कि हम हमारे दर्शकों के लिए बनाएं, और पूरी कोशिश हमारी इसमें है, और स्पेशली जो मेरी तरफ से जो भी इसमें मैं कुछ नया करना चाहूँगा, अच्छा करना चाहूँगा, और बस दर्शकों का जो प्यार आशीर्वाद जो बना है वो बना रहे, और हम लोगों का भी कर्तव्य है कि उनको कुछ नई चीज़ें दें, अच्छी चीज़ें दें, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भिड़ंत सिनेमा है एक नई मूवी, एक अच्छी मूवी भोजपुरी दर्शकों के लिए साबित होगी। बिल्कुल मुबारकबाद, और भिड़ंत नई फिल्म आ रही है, कुछ कहना चाहते हैं सबसे पहले आप? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और एक अच्छी सिनेमा बन रही है भिड़ंत, जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बना रहे और अच्छी अच्छी सिनेमा हम करते रहें। और क्या नेगेटिव शेड होगा, क्या हार्डकोर विलन होंगे आप भिड़ंत में? हार्डकोर तो है ही, लेकिन विलेन जो है इसमें ना वो बहुत हार्डकोर नहीं है, कहीं ना कहीं से सॉफ्ट कॉर्नर भी है उसके अंदर, तो ऐसा है, विलेन तो विलेन ही होता है। एक बार फिर आप और विराज भट्ट जी आमने सामने हैं चीरहरण के बाद, उसमें चीरहरण किया था, इसमें विलेन कर रहे हैं। आप लोग का प्यार है बॉस। विराज जी के साथ हमने पहली फिल्म की थी चीरहरण, जो कि बहुत ही अच्छी सिनेमा रही, अभी शायद ईद के बाद वो रिलीज होगी, कुछ टेक्निकल खराबी के कारण अभी तक रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन जो कि अब दुरुस्त हो गई है फिल्म, और एडिटिंग में है, पोस्ट प्रोडक्शन में है वो, जो कि ईद के बाद रिलीज होगी, और बहुत अच्छा अनुभव रहा विराजी के साथ काम करके। विराजी बहुत ही अच्छे इंसान हैं सबसे पहले, और एक्टर तो हैं ही धांसु। बात की जाए फिल्म के लेखक निर्देशक सोम भूषण श्रीवास्तव जी का, जी वो पहली बार डायरेक्शन के क्षेत्र में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामना देना चाहूँगा कि सोम जी एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आए भिड़ंत, और बहुत ही शिद्दत से लिखी है उन्होंने, तो इसके लिए उनको धन्यवाद है, शुभकामना है, और निर्देशन तो खैर वो पहली बार कर रहे हैं, इसके लिए भी शुभकामना है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या ऐसा ही उसमें कुछ नया क्या? USP तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हम इसको एक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, कहानी बहुत ज़बरदस्त है, कहानी बहुत अच्छी लगेगी, वल्गरिटी नहीं है इसमें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल वल्गरिटी नहीं है, और सिनेमा बढ़िया बनेगी। म्यूजिकली कैसे, जब ये एक्शन मूवी दिख रही है तो म्यूजिकल कितना? नहीं, सिचुएशनल है, सिचुएशन जहाँ जहाँ है म्यूजिक का वहाँ पर म्यूजिक है, म्यूजिक भी खूबसूरत है, मधुकर जी बना रहे हैं अभी म्यूजिक अंदर, गाना रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, किस तरह का गाना?
गाना तो आइटम सॉन्ग है इसमें, अभी आइटम सॉन्ग हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, मधुकर जी कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। अच्छा संजीव जी, आपको अमूमन जब मैं देखता हूँ आपको एक अलग किस्म का विलन प्ले करते हो, जो गले में ढेर सारा सोना पहनता है, बड़ा रिच किस्म का, चाहे वो टीवी की बात हो, क्राइम शोज हो जी, या फिर मूवीज की भी बात हो, ये अलग किस्म का विलन होता है, ऐसा गरीब किस्म का विलन नहीं करते? ऑब्वियसली हो सकता है, विलन तो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव एलिमेंट तो गरीब में भी है, अमीर में भी है। शायद आप क्राइम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने प्ले किया था, जो ये एक बाहुबली होता है, तो अब बाहुबली अमीर आदमी है, तो यहाँ चेन और खेसारी जी भी काफ़ी पहन रहे हैं, अमीर हो गए हैं तो जी के रास्ते पे आप ही निकल पड़े हैं? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, खेसारी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, इंसान हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद कह सकते हैं नहीं, विलन वो ढेर सारा सोना सिर्फ ऑन रील है, रियल नहीं है, बस सिर्फ एक घड़ी है, बाकी कहीं सोना नहीं दिखेगा कानून में। थैंक यू थैंक यू। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले तो पहली फिल्म और विराज भट्ट के साथ आप करें, इसके लिए मुबारकबाद, कितने एक्साइटेड हैं आप खुद अपने आप में नई पारी को लेकर? देखिए नई पारी नहीं है, हमारी ओपनिंग पारी है सबसे पहले, और इसकी प्लानिंग लगभग मेरी 1.5 साल से चल रही है कॉन्सेप्ट के ऊपर विराज जी के साथ, और कॉन्सेप्ट जो है वो विराज जी के लिए ही था, क्योंकि एक्शन हीरो हमारे भोजपुरी में अगर एक्चुअल में देखा जाए तो विराज जी, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उन्हीं के लिए था। अच्छा, उन्हीं को ध्यान में रखकर कहानी लिखी गई? बिल्कुल। और 1.5 साल का वक्त लगा इसमें? लगभग 9 महीने का। जी, अब आप तो विराज भट्ट आ गए हैं, आप तो फिल्म मतलब आप प्लॉट पे भी जा रही है, जरा बताइए कैसे शूट करेंगे, कहाँ शूट करेंगे, आप कितने महीने में शूट करेंगे इसे? देखिए इसके लोकेशन हंटिंग इसका चल रहा है, आर्टिस्ट को परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है इसके, तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को देख के, मार्केट को देख के, जो भी चल रहा है, मेनली फर्स्ट अपॉन हमारे ऑडियंस के व्यू को, ऑडियंस इंटरेस्ट को देख के एक नए तरीके से शुरुआत की जा रही है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, आपने कहा कि एक्शन बेस्ड फिल्म होगी, सारा एक्शन देखने को मिलेगा, और विराज भट्ट को आपने ध्यान में रखकर कहानी लिखी। जी जी जी। बहुत सारे आजकल, बहुत सारे या फिर 3-4 लोग और हैं भोजपुरी में जो कि खुद को एक्शन किंग कहते हैं, या फिर उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है, ठीक है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, ठीक है, वो सब जानती है। अब क्या है कि विराज को लेके ही मैं क्यों आया हूँ, तो कॉन्सेप्ट विराज के लिए है तो है, कॉन्सेप्ट अगर खेसारी जी के लिए है तो है, कॉन्सेप्ट दिनेश जी के लिए है तो है, कॉन्सेप्ट पवन जी के लिए तो है, ये हमारा नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड चले, या फिर अपने हीरो को, अपने आर्टिस्ट को हम मिसयूज कर दें। फिर भी आप मानते हैं कि भोजपुरी के एक्शन किंग विराज भट्टी है? एक्शन किंग कोई नहीं होता, कोई ड्रामा किंग नहीं होता, कोई कॉमेडी किंग नहीं होता, ये हम बस लगा देते हैं, एक्शन हमारे दिनेश जी क्या खराब करते हैं, पवन जी क्या खराब करते हैं, खेसारी जी क्या खराब करते हैं, चूँकि क्या है कि विराज भट्ट जो है वो एक मार्शल आर्ट प्लेयर है, जैसे कि हमारे बॉलीवुड में अक्षय कुमार होते हैं, अभी टाइगर श्रॉफ है, तो एक्शन किंग जो है वो हम अक्षय कुमार को भी कहते हैं, एक्शन किंग अपने अजय देवगन को भी कहते हैं, तो एक्शन किंग हम उसको लगा सकते हैं जिसकी मैक्सिमम फिल्में जो एक्शन पे आती हैं, तो हमारे बॉलीवुड को भी ले लीजिए, हमारे भोजपुरी की इंडस्ट्री को तो छोड़ दीजिए, बॉलीवुड को भी लीजिए, तो उसमें भी हम किसी को ये डिनोट नहीं कर सकते हैं कि ही इज़ अ एक्शन किंग आर्टिस्ट, ही इज़ अ एक्शन किंग एक्टर। अच्छा, आप अपने बारे में जरा बताइए, सुन जी, इससे आप, इससे पहले आपने किसी को असिस्ट किया है या फिर डायरेक्शन कहीं से सीखा है, ट्रेनिंग ली है, इससे पहले आप क्या कह सकते हैं? देखिए ये बस बात वही होगी कि रणबीर कपूर से पूछा जाए कि आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है, ये सिर्फ वही मिसाल है। मैं एक फिल्मी खानदान से हूँ, मेरे बड़े भाई साहब हैं रवि भूषण जी, जो कि काफ़ी प्रख्यात राइटर डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, तो मैं उनके साथ मैंने सीखा है। मेरे ही परिवार में हैं रवि सिन्हा जी,
वो एक बहुत ही माने हुए, कम से कम 35-40 से ऊपर उन्होंने हिट फिल्में तिवारी जी के, मनोज तिवारी जी के समय से वो कर रहे हैं, भोजपुरिया डॉन से लेके आपको मैहर के रखे नैहर के माड़ोपिया के चुनरी से वो कर रहे हैं। तो करते करते वो सारे स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया, तो मैंने सबको देखा है, पूरी इंडस्ट्री को देखा, ऑब्जर्व किया, सीखा। आप ये समझ जाओ कि असिस्टेंट का मैंने स्पॉट का भी काम किया, मैंने एक्ट किया, मैंने 20 फिल्में की हैं जिसमें 5 फिल्में मैंने मेन विलन की हैं। अभी मेरा तेरे जैसा यार का कहाँ, वो मेन विलन हूँ अदेश जी के साथ। तो एक्टिंग प्लस राइटिंग के बाद सारा गुण सीखने के बाद, खुद सीख कहाँ से लूँगा, अब तो सीखना हर दिन मेरा शुरुआत ही होती है सीखने की। तो बस डायरेक्शन में मेरा इम्प्लीमेंट है, ये जान के कि मैं कुछ अच्छा, अलग नहीं, कुछ अच्छा देने की कोशिश करो। अलग तब हम कर देते हैं जब और लोग बुरा कर रहे हैं, तो हम भाई अच्छा अलग करें, लेकिन कोई बुरा नहीं कर रहा है, सब कोई अच्छा कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, हर अपने विचार से काम करते हैं, अपनी जहाँ से काम करते हैं। और मैंने सोचा कि मैं अपना यहाँ से हो सकता है कि लोगों से बेहतर कर सकूँ, और मैं बेहतर भोजपुरी को बना सकूँ। भोजपुरी भाषी हूँ, भोजपुर का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरा हमेशा भोजपुरी से जुड़ा हुआ रहा, और भोजपुरी को मुझे आगे लेके जाना। मेरा ये कहना है कि भिड़ंत के बाद क्या, मतलब भिड़ंत के बाद आप क्या प्रॉपर डायरेक्शन में ही जाएंगे, या फिर से एक रूप में भिड़ंत एक्टिंग में चले जाएंगे, या बाकी चीजें फिर से करेंगे, या दोनों करते रहेंगे, मतलब बहुत कुछ भिड़ंत पे डिपेंड है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ कि बहुत चीज़ भिड़ंत पे डिपेंड है, और रास्ते बदल देना वो हमारी फितरत है। हमारा है कि जिस रास्ते को हमने चुन लिया, अगर कंकड़ और पत्थरों भरा भी है तो हम छोड़ के नहीं भागते, कंकड़ और पत्थर को उस रास्ते से निकाल के फेंकते हैं और सीधे रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए मुड़ने का सवाल ही नहीं है। मैं एक्टिंग में था जब मैं पहली फिल्म मैंने गुंडे राज किया 2010 में, वहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई। उसके पहले मैंने थिएटर्स वगैरह बहुत सारे किए, थिएटर डायरेक्ट किया है, ड्रामा किया, रिटर्न किया। मैं ड्यू से मैं पास आउट हूँ, मैंने हिंदी से PhD किया, डॉक्टरेट हासिल की, ये सारा करने के बाद मास कम्युनिकेशन मीडिया से मैं 7 साल तक था जुड़ा हुआ, आपके चैनल से, महुआ से, प्रज्ञा से, धर्म कात्यानी जी सब में मैं कर चुका हूँ। इन सारी चीज़ों को पार करते हुए, इन सारी दहलीजों को सीखते हुए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। और डायरेक्टर एक बहुत बड़ी कुर्सी होती है, और जितनी बड़ी कुर्सी होती है ना, उसके ऊपर उतनी बड़ी जिम्मेवारी का वजन होता है। तो इस वजन के लायक मुझे लगा कि मैं तैयार हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे विराट जी हैं, मेरे संजीव झा जी हैं, विपुल जी हैं, सब ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप आइए, अकेला हिम्मत नहीं था। तो पूरे कुटुंब, पूरे टीम और पूरी जमात के साथ मैं आया हूँ, और मुझे विश्वास खुद से ज़्यादा अपनी टीम पे है। हम छोटी शुरुआत करेंगे, अच्छी शुरुआत करेंगे, तेज शुरुआत करेंगे। आपको अपने बारे में क्या लगता है, आप अच्छे पत्रकार, आप अच्छे एक्टर या अच्छे डायरेक्टर हो? अच्छे राइटर, आप प्लस राइटर। मैं अच्छा इंसान पहले हूँ, राइटर डायरेक्टर तो ये हमारा रोल है जो हमने तय किया है, लेकिन जिस जो उसने तय किया है ना, वो मेरा पहले है। अब उसके साथ मैं क्या बन जाऊंगा वो आप लोगों के ऊपर है, जो बना दो मेरे ऊपर। अच्छा, भिड़ंत की कहानी के बारे में बात की, क्या फिल्म है थोड़ी सी बताइए। देखिए, फिल्म भिड़ंत की कहानी जो है वही उसकी USP है, क्योंकि मैंने बहुत सर्वे किया, मैं थिएटर्स में जाके पब्लिक के बीच में बैठ के देखा, ऑटो रिक्शा सब्जी जो भी हमारे मास के हैं भाई बहन लोग, बहुत ऑब्जर्वेशन किया है मैंने, और सबकी एक ही शिकायत है कि बस सब कुछ ठीक है, म्यूजिक भी चलो ठीक है, बट कहानी। तो चूँकि मैं पेशे से पहले मैं कहानीकार हूँ, एक लेखक हूँ, तो हमने पहले जो है वो कहानी को बनाया, और कहानी जो हमारी है वो USP है। मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, लेकिन आप ये जानो कि ये एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक्शन मसाला फिल्म है, पूरी कमर्शियल मूवी, जिसमें हमारे पब्लिक, हमारी जो जनता जनार्दन है, वो खूब खुल के एंजॉय करेगी,
कोई वल्गरिटी से बिल्कुल इसमें परहेज किया जाएगा, कोई वल्गरिटी नहीं चाहिए। जो मेरे ऑडियंस को, जो मेरी नॉर्थ इंडिया के कल्चर को जो डिनोट करता है, जो एक्चुअल हमारा कल्चर है, देवर भाभी का रिलेशन जो कि एक माँ और बेटे के रिलेशन को जाना जाता है, वो इसमें दर्शाया गया है। और बाकी जो है वो फिल्म आएगी और उसके प्रमोशन होगा, फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं सबके नमस्कार करूँगी जी। उनसे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई हूँ कि जो करें अच्छा करें और आगे जाएं। तो सपना जी बताइए कि ये डेब्यू फिल्म आपकी पहली फिल्म है ऐसे? हाँ, पहले। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देखती हैं इंडस्ट्री को और कितने उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि आप के इंडस्ट्री का पार्ट? इस बात को तो मैं लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत मैंने अंदर मेरा कुछ चल रहा है कि इस फिल्म में सोम हुसैन जी हमको लेके आए हैं। एक अच्छा वो डायरेक्टर हैं और वो अच्छे से काम कराएं, मैं यही चाहूँगी। और रह गया बात कि इस फिल्म में मैं सेकेंड हीरोइन पर काम करें। अच्छा, तो इससे पहले आप क्या करती, कुछ बताएंगे अपने इसके बारे में? पहले मैं छोटा मोटा काम की हूँ। अच्छा। चार मूवी में काम की हूँ। okay. और ये फर्स्ट मूवी है जिसमें मैं सेकेंड हीरोइन आया। जो एक्टर हैं विराज भट्ट, उनके बारे में बताइए कि क्या करना चाहेंगे, उनकी फिल्में देखती हैं? देखिए, विराज भट्ट तो बहुत अच्छा हीरो हैं, बहुत अच्छा आदमी हैं। उनके साथ में एक फिल्म की हूँ चीरहरा, उसमें इनके सिस्टर के मैं काम की हूँ। अच्छा लगा इनके साथ काम करने गया और बात विचार जो भी है सही है। नहीं, बहुत अच्छे हैं विराट भट्ट जी, उनका हीरो जो है वो बहुत हम लोगों को साथ देता है काम करने में, हर चीज़ बताता है, बहुत अच्छा लगता है। डायरेक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अच्छी सब्जेक्ट लिखी हुई है और उनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो हिसाब से उन्होंने सब्जेक्ट सुनाया था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। भिड़ंत यानी लड़ाई झगड़ा है, बट ये बहुत क्यूट सा है। लाइक आपको एक्शन देखने को मिलेगा बहुत सारा इसमें, और मेरा जो कैरेक्टर है वो डबल शेडेड है, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। बाकी आप देखो, पहली बार नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आएंगे आप? कहा जा सकता है कि पहली बार मैं नेगेटिव कैरेक्टर में आऊँगी। और अपने एक्टर के बारे में बताइए, बॉडी बिल्डर हैं, सलमान से कम नहीं है, विराज भट्ट को क्या कहना चाहेंगे? वो बात तो बिल्कुल सही है कि बॉडी बिल्डर है, सलमान खान जी से कम नहीं है। और विराज भट्ट जी के साथ मैंने एक और फिल्म की है चीरहरन, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है, और दोबारा कर रही हो तो एक्साइटमेंट डबल है और तो बहुत मजा आ रहा है करने में। तो आप काफी कम उम्र में अपनी पहचान बना लिए, लोग आपको जानने लगे, क्या कहना चाहेंगे, कितना कितनी खुशी मिलती है अपनी सफलता को लेकर? मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से ही हूँ, क्योंकि अगर आप ऑडियंस ने मुझे अगर प्यार नहीं दिया होता यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अभी मेरी फिल्म उड़ान जो कि थिएटर में भी है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है हमें, तो लाइक इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि ऊपर वाले ने भी साथ दिया और आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। तो अजय बंगाली हैं आप, तो भोजपुरी भाषा बोलने में कुछ तकलीफ होती है डायलॉग डिलीवरी वगैरह करने में? नहीं, तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं भले ही मैं बंगाली हूँ बट मैं रहने वाली यूपी से हूँ, अलाहाबाद से हूँ, और मेरे मतलब रिलेटिव्स भी रहते हैं गोरखपुर वगैरह वगैरह जो भी अपने सिटीज़ हैं, तो इसलिए भोजपुरी टच हो जाता है। और बचपन से भोजपुरी फिल्में भी देखते आ रही हूँ, तो अच्छा लगता है भोजपुरी, क्योंकि एक गांव का लैंग्वेज है, मिट्टी से जुड़ने का मौका मिलता है। सो लाइक, और इस प्रोजेक्ट के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? अभी मेरे बहुत अभी कई प्रोजेक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे मैं बताऊँगी, अभी कुछ नहीं रिवील करूँगी। अरे, ये तो प्रोजेक्ट है ही सामने, चिरन भी आने वाला है, बाकी तो सीरियल्स हैं तो आप मुझे देखते ही होंगे। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग, मैं भूमिका कलिता एंड मैं इस मुहूर्त में आई हूँ एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये पोस्टर देख के, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। हालांकि मैं इस फिल्म की पार्ट तो नहीं हूँ बट प्रेजेंट यहाँ का एक मुहूर्त का एक पार्ट बन के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत ही अच्छी मूवी बनने वाली है। एंड डायरेक्टर के बारे में भी मैंने बहुत सुना है, वेरी नाइस डायरेक्टर एंड कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा है। And I wish to the full team a very all the best. ये फिल्म बहुत अच्छी बन के निकले, बहुत नाम कमाए, बहुत सुर्खियों में रहे,
दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू विश देम. थैंक यू. आर्टिस्ट भी हैं और साथ में अपने भाई रवि भूषण सर के साथ जो है असिस्ट भी कर रहे थे. बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं और डायरेक्शन में भी उनका बहुत ही लाजवाब मतलब मैंने देखा था. और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो इंडिविजुअल जो है एज ए डायरेक्टर जो है लॉन्च हो रहे हैं. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि उनके आने वाली हर फिल्म अच्छी हो. और मैं इस फिल्म में भी काम कर रही हूँ. और कृष्णा जी, बात करें जो है कि अब तक आपने ढेर सारी फिल्म देखी भूषण जी के साथ है, अभी फिल्म आपके कई आई, अब जो है सोम भूषण जी एज ए डायरेक्टर आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सोम भूषण सर के साथ मतलब सॉरी मैं सोम जी के लिए जो बोल रही थी कि मैं उनके लिए उनके साथ जो है तेरे जैसा यार कहा में जो है मैंने काम किया था रवि भूषण सर के साथ. और उसमें वो बहुत ही अच्छे जो है एक्टर का काम किए थे और साथ में जो है अपने भाई के असिस्ट भी कर रहे थे एज ए डायरेक्टर. और सही बात तो ये है कि वो राइटर भी हैं और एज ए इंडिविजुअल डायरेक्टर आ रहे हैं. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये देखकर कि भिड़ंत जैसी फिल्म को जो है वो इंडिविजुअल जो है डायरेक्ट कर रहे हैं. दर्शकों से क्या कहेंगे अपनी फिल्म करियर को लेकर? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि मेरी आने वाली फिल्म कसम तिरंगा के हैं जो मल्टी स्टार फिल्म है, जिसमें रवि किशन, पवन जी, विराज भट्ट जी, कल्लू जी, राकेश मिश्रा जी हैं, सभी लोग हैं. और मैं इस भिड़ंत में भी काम कर रही हूँ. किससे भिड़ने वाली हैं आप? ये तो दर्शकों को जब मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा कि मैं किससे भिड़ने वाली हूँ. इसमें थोड़ा सा कुछ ये होता सूत्रों से जानकारी कम इस इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है अभी इसके बारे में कि मैं किससे भिड़ने वाली हूँ. हाँ, आपको दो हीरोइन भी भीड़ सकती हैं और दो हीरो भी भीड़ सकते हैं. हीरोइनों के साथ जो है हीरो भी भीड़ सकते हैं. आप हीरो से भीड़ सकती हैं? यस, हीरो के साथ भी मैं भीड़ सकती हूँ, फाइट हो सकती है. फाइट मास्टर जी जी से आप कैसे भिड़ पाएंगे? नहीं, मैं भी फाइट सीखी हूँ. ब्रेकिंग खबरें इधर आपके पास है? नहीं, करिश्मा मित्तल जी भी फाइट सीखी हैं तो विराज भट्ट का सामना कर सकते. थैंक यू. यहाँ पर नमस्कार भाई. आप कहना चाहते हो कुछ फिल्म के बारे में? मेरा नाम लीड एक्टर है इसमें. टाइटल तो बहुत ही अच्छा है और 100% मैं कहता हूँ कहानी भी बहुत बेहतरीन होगी. अभी ज़्यादा आइडिया मुझे कहानी के बारे में है नहीं, पर सोम जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उनकी राइटिंग, उनकी एक्टिंग, क्योंकि वो थिएटर से जुड़े हुए हैं और हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और दिल्ली से वो थिएटर वगैरह काफ़ी वो है. तो उनका जो स्टोरी राइटिंग और वो सब है, एक लफ्ज में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म होगी. आप फिल्म में हो, फिल्म का हिस्सा हो? हाँ, डेफिनेटली. आपको बताया जाएगा आप क्या किरदार में होंगे? नहीं नहीं, अभी ये सबका मैं कुछ अभी डिस्क्लोज कर भी नहीं सकता और ज़्यादा अभी तक मुझे कुछ नॉलेज नहीं. थैंक यू. कहना चाहता हूँ भिड़ंत, मेरा नाम संतोष पुरी है, मैं गीतकार संगीतकार हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस फिल्म में मैं सिर्फ गीत लिख रहा हूँ. मधुकर भैया जी का म्यूजिक है. और भिड़ंत बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मसाला के साथ साथ इमोशन, कॉमेडी और म्यूजिकल सारा चीज़ है. म्यूजिक इसमें बहुत अच्छा है और अपने डायरेक्टर सोम भूषण जी डायरेक्टर हैं और मुझे इस फिल्म में गाना लिखने के लिए बोला गया, जो मैंने कोशिश किया है और बहुत अच्छा गाना बना है. और उम्मीद करता हूँ सारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, श्रोताओं को अच्छा लगेगा. जरा गाना सुनाइए, कौन सा गाना लिखा आपने इस फिल्म में? जी ये तो फिलहाल मैं सुना नहीं सकता, लेकिन दूसरा सुना सकता हूँ. मैं अपना सुनाता हूँ. जब आए होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाली, जब आए होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाली, चुनरी ना लइयो तो ना लइयो सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो आ जइयो सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो,
आ जाइयो आ जाइयो, जब आए होली दिवाली तू ले आइयो चुनरी लाली। उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर शख्स नया ही होता है, और जब वो काम करता है अपने काम के थ्रू अपना पहचान बनाता है तो वो भी पुराना एक दिन हो जाता है, सब लोग उसको जान जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी इस फिल्म से अपना नाम कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे, लोगों के दिल में बसेंगे। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं यही कहना चाहूँगा। एक और चर्चे विषय मास्टर साहब आपकी फिल्म जी बताना जी। मास्टर साहब मेरी फिल्म जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड के लिए गई थी और काफ़ी सराहा गया, और वो शिक्षा पे आधारित फिल्म है और बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस मिला मुझे। मास्टर साहब फिल्म के वजह से मुझे बहुत लोग जाने, उसका एक टाइटल सॉन्ग भी आप लोगों को सुना सकता हूँ मैं। चला रे चला कलम का सिपहिया, चला चला रे चला कलम का सिपहिया, चला देश का भविष्य बनावन को, ज्ञान बदरिया बंजर धरती पर बरसावन को, अक्षर अक्षर गांव गांव में पहुंचावन को। थैंक यू जी। हम और जुड़ गया रवि जी, आपके भाई साहब को आपने करीब से देखा होगा या शायद सबसे नजदीक से देखा होगा, ये प्रतिभा आपको कब नजर आए उन्होंने डायरेक्टर हो सकते हैं या शुरू में ही लगता था, एक्टिंग भी उन्होंने की है? मैं चूंकि क्या है कि सबसे छोटा है भाइयों में, और भाई नहीं, मैंने उसको बेटे की तरह हमेशा देखा है और थ्रू आउट मेरे साथ रहा है शुरू से। काफ़ी पढ़ाई की है ना उसने इस फील्ड में आने के पहले, वो मास कॉम का स्टूडेंट रहा है दिल्ली से, उसने किया है चैनल में भी काफ़ी, तीन चार चैनल्स में उसने काम किए, प्रोमो प्रोड्यूसर रहा, न्यूज़ में भी रहा, उसके बाद कमर्शियल फिल्मों में आया, कमर्शियल फिल्मों में काफ़ी अच्छा बेहतरीन एक्टर है वो, एज ए एक्टर उसने प्रूफ किया, फिर एज ए राइटर उसने प्रूफ किया, तो सीढ़ी दर सीढ़ी वो चढ़ा है। एज ए डायरेक्टर मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी उसने काम किया है, और काफ़ी जो है उसके काम में मैंने देखा है अभी तक कि काफ़ी सीरियसनेस रहता है, सीरियसनेस है उसके, और मुझे उम्मीद है कि जिस चीज़ को मैं लेके बढ़ा था गुंडई राज से, एक एक्शन मैंने मूवमेंट दिया था इस इंडस्ट्री में, उसको बरकरार रखेगा, जैसे टाइटल है उस हिसाब से कामयाब रहेगा वो। और बाकी तो हमारे दर्शकों का आशीर्वाद कितना सर। नमस्कार, हाय दिस इज़ प्रियंका सिंह। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका सिंह, और आज भिड़ंत फिल्म की जो है वो आज तो गाने जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, जिसके जो नायक है वो विराज भट्ट जी हैं, जो नायिका हैं वो शायद मुझे अभी पता नहीं है कौन है, बट जो भी हैं अच्छी ही होंगी। और इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मधुकर आनंद जी, एंड जो गाना आज मैंने रिकॉर्ड किया उसको लिखा है संतोष पुरी जी ने, और बहुत ही प्यारा गाना है, एक नए अंदाज में भोजपुरी में, मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम बाद एक नए तरीके का सॉन्ग आप सभी को सुनने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, कुछ लीक से हटके है भोजपुरी दर्शकों के लिए। तो मुझे लगता है कि बाकी जो गाने हैं जो अब तक मैंने गाया उससे कुछ हटकर ही आज गाया है, तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। और कितने गाने गाने इसमें आप? अभी आज तो फिलहाल एक सॉन्ग ही गाया है, आगे का भी अभी पता नहीं है कितने गाने वाली हूँ, बट गाऊंगी जी गाने के सिचुएशन के हिसाब से। संगीतकार हैं, उनके संगीत निर्देशन में आपके कई गाने हिट हुए हैं जी, जैसे छल का थोड़ी जो उनका संगीत था ना जी, और एक रिकॉर्ड ब्रेक है आज तक जी, उससे हिट कोई अब तक शायद, वो क्या कहना चाहेंगे आपको, उनका जो ट्यूनिंग है गीत का, संगीत और सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का जी। छलका था जो सॉन्ग है वो भोजपुरी इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक गाना हम कह सकते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और ये इतिहास हमारे दर्शकों की वजह से ही बन पाया है। और मधुकर जी के साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, उनके लिए बहुत टाइम से गाने गा रही हूँ, अच्छा लगता है, एक ऐसा नहीं लगता कि हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक फैमिली है और
फैमिली में आए हुए हैं कुछ कुछ गाने, ऐसा पता नहीं चलता कब रिकॉर्डिंग हो जाती है और एक फैमिली माहौल रहता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और अच्छा लगता है। जी अभी रिसेंटली अभी मुकद्दर फिल्म आई है जिसका एक गाना है सच के सवर के जो मैंने गाया है, वो अभी दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं और बहुत कम समय में वो गाना भी मुझे लगता है कि 10 करोड़ होने वाला है। आई थिंक छलका दस से भी बहुत कम टाइम में ये सॉन्ग जो है वो दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। और भी कई गाने हैं, सरसों का सगिया एंड बंगलिया से दवैया, बहुत सारे गाने हैं जो उनके निर्देशन में मैंने गाए हैं और जो सुपर हिट रहे हैं। और आशा है कि आने वाली जो भी फिल्में हैं मेरी जिसमें मैंने गाया है वो सब आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा उसके गाने। और जी काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने, थैंक यू राम जी। जी मैं जो भोजपुरी जो फिल्मों के जो गाने हैं वो हम कह सकते हैं कमर्शियली हम लोग गाते हैं, कमर्शियल एंटरटेनमेंट के लिए, पब्लिक के लिए। बट उसके अलावा भी मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज से नहीं 2014 से 2013 से ही मैं कुछ फ्यूज़न गाने जो भोजपुरी में एक पुराने गानों को उठा के जो आज के दौर के जो भी युवा वर्ग हैं भोजपुरी में जो जुड़ना चाहते हैं बट जुड़ नहीं पाते हैं कि उस तरह के काम आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत दिनों से शायद नहीं है या आई डोंट नो मुझे नहीं पता है। बट तो मैं प्रियंका सिंह मेरा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से मैं भोजपुरी के लिए कुछ अलग तरह के गाने करते रहती हूँ हमेशा। और रिसेंटली मैंने एक वीमन एम्पावरमेंट का एक सॉन्ग किया था, आई वॉन्ट जस्टिस ऑल फॉर वुमनिया, तो वो गाना बनाने का उद्देश्य ये है कि समाज में जो भी महिलाओं के साथ आए दिन सुनने को मिलता है कि यहाँ बदतमीजी हो गई, यहाँ हो गया, तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो एज एन आर्टिस्ट मुझे लगा कि मैं क्या करूँ इसमें, कैसे क्या कर सकती हूँ। तो मैंने एक गाना गाया जिसको संतोष पुरी जी ने लिखा है और म्यूज़िक भी उन्होंने ही दिया है और हम सब ने मिलकर ये सॉन्ग बनाया है। और इस गाने से बहुत सुधार की भी उम्मीद करती हूँ मैं, अगर इस गाने से थोड़ी बहुत भी अगर समाज में जो चीज़ें हो रही हैं अगर सुधरती हैं तो मैं अपने आप को गाने बनाने को अपने आप को कारगर समझूंगी कि मैं सफल हुई इस गाने के पीछे। और उसके अलावा भी मैं काफ़ी सारे फ्यूजन सॉन्ग्स अपने चैनल पर करती हूँ, तो आप लोग जाइए प्रियंका सिंह चैनल पर और भोजपुरी में अनप्लग सॉन्ग्स अलग अलग तरह के आप जैसा सुनना चाहते हैं कई दिनों से वो सब आपको सुनने को मिलेंगे। भोजपुरी में फ्यूजन सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे, अनप्लग सॉन्ग्स है देते हैं, वैसे मेरे उन गानों को भी प्यार दीजिए और अधिक से अधिक प्रमोट कीजिए ताकि हमारी जो भोजपुरी जो दुनिया है जो इंडस्ट्री है और आगे बढ़े और इंक्रीज़ करे देश विदेश में और बड़ा नाम हो हमारी इंडस्ट्री का, समाज में सुधार होता है तो मैं अपने इस गाने को गाना सार्थक समझूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। देखिए मैं पहले बांसुरी बजाता था और 15-16 साल पहले 20 साल पहले जब मैं इस कॉलेज में पढ़ता था तो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल सोलो का एक कंपटीशन हुआ था, उसमें मुझे बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर का एक अवार्ड मिला था 92 में, तो इंटरमीडिएट में जैसे गया था उस समय, तो राग वृंदावनी सारंग हमने बांसुरी बजाया था। इसके बाद 2-3 साल तक और बजाया, फिर बाद में सरकारी नौकरी लग गई, फिर यहाँ म्यूज़िक टीचर म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया तो बांसुरी छूट गई थी। बहुत दिन बाद आज बांसुरी हाथ लगा, थोड़ा अपना हाथ साफ कर रहा था। आज ही कैसे बांसुरी की याद आ गई, 15 साल से जो चीज़ हुई थी आज कैसे आ गई? मैं पहले बेसिकली सिंगर था, सिंगिंग करता था, तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि बांसुरी मत बजाओ, अगर सिंगर हो तो सिंगिंग ही करो, बांसुरी बजाओगे तो गले पे असर पड़ेगा। तो मैं बांसुरी थोड़ा कम यूज़ करता था लेकिन शौक है बांसुरी का। आज हम लोग अंदर गाना कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, बताएंगे किस मूड का गाना है, किस तरह का म्यूजिक है? अभी हमारे सोम भूषण जी हमारे छोटे भाई हैं और एक बहुत अच्छी फिल्म का प्लान किए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि भैया इसमें आपके हवाले करता हूँ म्यूज़िक, तो हमने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपने अगर मुझे इस काबिल समझा, तो उसी का काम हुआ हम लोग कर रहे थे तो अभी एक आइटम से उन्होंने कहा मुहूर्त करना है, तो बड़ा जोश उन्होंने जगाया कि ऐसा आइटम बनाइए जो थोड़ा लीक से हट के हो, और हम हमेशा उसमें विश्वास भी करते हैं कि हर चीज़ थोड़ा हट के हमेशा नया नया चीज़ आते रहना चाहिए, तो एक नयापन के साथ हमने एक कंपोजिशन बनाया जो कि लोग बड़ा अच्छा लगा, वही आज हमने रिकॉर्ड किया।
कैमरे के सामने गा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि आजकल गाने लीक बहुत हो रहे हैं, चोरी ज़्यादा हो रही है, चोरी बहुत हो रहे हैं और बाद में चोरी फिल्म बनते बनते 6 महीने लग जाएंगे और 6 महीने के पहले ही कोई एल्बम में गा देगा, बाद में मैं ही चोर हो जाऊँगा, मेरा ही गाना और मैं ही चोर हो गया, तो इससे बढ़िया है भाई तो आप लोगों के सामने गाना अभी उचित नहीं है। भिड़ंत में कितने गाने हैं उत्पल जी, कितने गाने हैं भिड़ंत में और किस किस मूड के हैं, कैसा संगीत होगा इन गानों का? अभी तो सज रहा है, इनके सिचुएशन बन रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, आज भी हम लोग मुहूर्त के बाद मिले 5-10 मिनट हम लोग डिस्कस किए कैसे कैसे गाने होने चाहिए, तो अभी एवरीथिंग प्लानिंग अभी चल रही है कैसा होना चाहिए, अभी सारा कुछ क्लियर नहीं हुआ है, जैसे क्लियर होगा मैं आप लोगों के सामने जल्दी लाऊंगा। एक एक्शन फिल्म में गानों के लिए या फिर बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए क्या बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जगह होती है? नहीं, एक्शन फिल्म में तो बहुत कम जगह होती है, एक्शन में थोड़ा आइटम वाइटम टाइप के गानों का ज़्यादा ये होता है, अब कहानी पर डिपेंड करता है, मान लीजिए एक पक्ष एक्शन हो दूसरा पक्ष अगर रोमांस हो तो रोमांटिक गाने का भी उसमें हो सकता है कि ज़रूरत पड़े। अच्छा, आप दोनों की जोड़ी ट्रेंड करती है यूट्यूब पर, आपके गाने बहुत कुछ है, जब भी जोड़ी इकट्ठा होती है आपके होते हैं ये जोड़ी, जब भी इकट्ठा होती है धमाल ही होता है, इस बार फिर से जोड़ी इकट्ठा हुई है, कितनी सारी उम्मीदें हैं आप दोनों को? प्रियंका जी आप बताएं। इसको एक ईश्वर का एक संयोग कहा जा सकता है कि मैं शुरू में जब भी आई थी स्ट्रगल टाइम था तब बहुत सारे लोगों के लिए गाती थी, बट लेकिन एक जो सपोर्टिव होता है जो वो इनके तरफ से आया शुरू में, भैया बहुत गाओ वैसे तो एक सीखते सीखते और गाने भी हिट हो गए, पता नहीं चला छलका था इतना बड़ा हिट हुआ और मुझे भी पता नहीं चला, और लगातार उसके बाद आप लोगों के आशीर्वाद से लगातार ये जोड़ी हिट है, तो ये सब एक मेहनत है कहीं ना कहीं, मधुकर भैया की मेहनत है कि ये इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे हमेशा जो ऐसे ऐसे गाने गाने को मिलते हैं और इनके तरफ से जो हिट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ईश्वर का आशीर्वाद है और इनका सहयोग है और मेरी थोड़ी बहुत गायकी है और आप लोगों का आशीर्वाद। सबसे मेन बताऊँगा, सहयोग आदमी सबको करता है, इनमें खुद की टैलेंट है, हमने इनका टैलेंट देखा जब ये मेरे पास आई थी, तो इन्होंने एक गाना हमने कहा कि गाओ, तो ये बोली कि मेरी आवाज़ थोड़ी अभी लग रही है मुझे, मतलब आवाज़ गले में खराश, मैंने बोला कि यार खराश के साथ तो अच्छा लग रहा है इसका आवाज़, मैं कहा कि यही खराश के साथ ही गाओ, मुझे वही चाहिए, थोड़ा हस्की आवाज़ मुझे चाहिए था, और इसने हस्की आवाज़ में गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और चूँकि ये भोजपुर ज़िले की है, कहाँ की हो, गोपालगंज की है ये, तो एकदम शुद्ध भोजपुरी भाषी है, तो इसका फोनेटिक्स एकदम भोजपुरी वाला था और भोजपुरी भाषी सिंगर फीमेल में बहुत कम थी जो बहुत सुर में गाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर हमने इनको बहुत कुछ सिखाया भी, ये पहले से भी बहुत कुछ लेके आई थी, तो एक बन गई, फिर छलका था बहुत हिट हो गया, सरसों की सगिया बहुत अच्छा गया, राजा कैला बिया तू मोटा जीवा बहुत अच्छा गया, लैया बंगलिया से दवैया है बालम बहुत अच्छा गया, ऐसे कारवा चलता रहा, धीरे धीरे हम लोग काम करते रहे, अच्छा रिस्पॉन्स आता रहा, उसमें हम तो बस काम करते हैं, जो सिंगर हैं अच्छा गाते हैं तो उनका भाग्य और पब्लिक का आशीर्वाद। मतलब जी आपसे मिलकर आनंद बहुत आता है, आपको किससे मिलकर सबसे ज़्यादा आनंद आता है? अरे सर आपसे मिलकर बहुत आनंद आता है, मुझे उसी से आनंद ज़्यादा आएगा जिसको हमसे मिलकर आनंद आता है। ये दुनिया में गिव एंड टेक रिलेशन है सर। आनंद मीट्स आनंद। हाँ आनंद मीट्स आनंद, आप भी आनंद हैं। आप बस जी ये आप बता रहे थे कि एक देखिए चुनौती है, ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी फिल्में अक्सर जो बनती हैं बेसिकली मतलब एक होता है कि भाई फिल्म बन रही है, हीरो ख्वाब में जाएगा, अगर हीरो बहुत एक्शन वाला है तो हीरोइन ख्वाब में जाएगी, फिर वहाँ रोमांटिक हो जाएगा, तो मिला जुला के 7-8 गाने का सिचुएशन निकाल ही लेते हैं डायरेक्टर भोजपुरी फिल्मों में, और